इंट्रोड्यूसिंग नोकिया 8.2। दोस्तों, जिस फ़ोन का बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था, वो फ़ोन अब बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है इंडिया में। दोस्तों, नोकिया अपना 5G स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है इंडिया में, जो कि होगा नोकिया 8.2। दोस्तों, इस फ़ोन में आपको काफ़ी अमेजिंग स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जैसे कि फ़ोन में आपको मिलेगा डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा और आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 735 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर। तो इस बार आपको नोकिया के इस फ़ोन में काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, साथ में आपको बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोकिया 8.2 के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको ग्लास का बैक मिलेगा विद ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश, साथ में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगी और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 6.39 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED 90 हर्ट्ज की बेजललेस डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2340 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 409 पिक्सल पर इंच की, और आपको स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो फ़ोन की डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। और दोस्तों, फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा, जहाँ पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 32 मेगापिक्सल का और दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। दोस्तों, फ़ोन के रियर कैमरा से आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 60 FPS पर, और आपको लो लाइट में भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कैमरा की मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, फ़ोन में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 735 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि एक नया और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। तो इस फ़ोन में आप कोई भी गेम आराम से चला पाएंगे, आपको कोई भी लैग, हीटिंग इशू और हैंगिंग प्रॉब्लम फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों, फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम और कस्टम UI आपको मिलेगा एंड्रॉयड 1 का। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 4000 mAh की बैटरी, जो कि 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट के बारे में। फ़ोन में आपको दो रैम वेरिएंट मिलेंगे। पहला वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 128GB और दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 8GB 128GB। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइस के बारे में। तो बेस वेरिएंट की प्राइस, यानी कि 6GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग 25,000 रुपये के आसपास इंडिया में देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में दिसंबर के लास्ट वीक तक या फिर जनवरी 2020 तक। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।